मोहम्मद शमी के बारे में 10 खास बातें। मोहम्मद शमी भारत के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक हैं। तो आइए जानते हैं उनकी खास बातें। मोहम्मद शमी औसतन 140 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से गेंदें फेंकते हैं और उन्हें रिवर्स स्विंग स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। 2013 में अपने एक दिवसीय मैच करियर की शुरुआती मैच में मोहम्मद शमी ने पाकिस्तान के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए 4 मैडन ओवर डाले थे। 2013 में ही अपने टेस्ट करियर के पहले मैच में, जो कि वेस्टइंडीज के खिलाफ था, 5 विकेट झटके थे। घरेलू क्रिकेट में मोहम्मद शमी बंगाल की तरफ से खेलते हैं, बावजूद इसके कि उनका गृह जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश है। मोहम्मद शमी के पिता, जो कि पेशे से किसान हैं, कम उम्र में तेज गेंदबाज थे। मोहम्मद शमी के पिता ने उनकी गेंदबाजी की क्षमता को पहचाना और उन्हें कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी के पास मुरादाबाद ले गए, जो कि उनके गांव से 22 किलोमीटर दूर था। 2005 में मोहम्मद शमी का उत्तर प्रदेश की अंडर 19 टीम में चयन ना होने पर उनके कोच ने उन्हें बंगाल भेज दिया। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सेक्रेटरी देवव्रत दास मोहम्मद शमी की क्षमताओं से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने शमी को अपने घर में ही रहने की जगह दे दी। बंगाल में टाउन क्लब खेलते हुए उनके उम्दा प्रदर्शन के बावजूद उनका चयन अंडर 22 में न होने पर बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सेक्रेटरी देवव्रत दास एक चयनकर्ता समरबन बैनर्जी से मिले और उन्हें शमी की गेंदबाजी देखने के लिए राजी कर लिया। बैनर्जी मोहम्मद शमी की गेंदबाजी से प्रभावित हुए और उन्हें अंडर 22 के लिए चुन लिया गया। अपनी गति से क्रिकेट जगत में छा जाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी शोएब अख्तर ने मोहम्मद शमी की गेंदबाजी से प्रभावित होकर कहा कि उनके हिसाब से शमी भारतीय टीम का लंबे समय तक हिस्सा बने रहेंगे।